नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। पहलवानों की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में एक इतिहास रच दिया है। इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने पहले तो इस ऐतिहासिक जीत के लिए कुश्ती महिला खिलाड़ियों को बधाई दी, उसके बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर लंबा तंज कस दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रिया मलिक ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताबी जो है जीत लिया है। इसे करने वाली प्रिया भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। इतना ही नहीं, महिला पहलवान अंतिम पंगल अंडर 10 में गोल्ड मेडल की भी मालिक बन गई हैं। दोनों पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद साक्षी मलिक ने खुशी जाहिर की। उन्होंने जीत के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा था, ये सचमुच दिल छूने वाली बात है और ऐसा लम्हा बार बार नहीं आता। रेसलिंग के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। लड़कियों ने और कोच को बहुत सारी बधाई देकर इसे ट्वीट के बाद साक्षी मलिक ने इस जीत का ढाल बनाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा निशाना साधा। दर्शकों, आपको बता दें कि ब्रजभूषण पर आए दिन साक्षी मलिक कोई ना कोई बयान देती रहती हैं और कई ऐसे बयान होते हैं जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आए हैं। क्योंकि पहले जब महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर ये निशाना साधते हुए उन पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि ये महिलाओं का शोषण करते हैं, महिला पहलवानों के साथ एकता की बात नहीं करते, और कई बार ब्रजभूषण पर कई केस दर्ज किए गए थे और कई याचिकाएं जो है महिला पहलवानों ने दर्ज की थी। इन सब के बीच एक बार फिर से जो है साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर तंज कसा और कहा है कि मैं इस बार अगर कोई बात होती है तो सबूत लाऊंगी और सबूत के साथ ब्रजभूषण की सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दूंगी। वहीं इससे पहले उन्होंने प्रिया को बधाई दी है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की। आपको बता दें कि प्रिया भारत की दूसरी महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है और उसका खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। दर्शकों, अब देखना यही होगा, क्या साक्षी मलिक एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर तंज कसती हैं और क्या कुछ जो है सबूत लेकर सामने आती हैं और क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।